तो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें पंचतत्व में विलीन हुई राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पंडो द्वारा तक चिता को आग लगाया जा रहा है। वहीं बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता को मुखाग्नि भी दी है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वही आपको बता दें, जहां अंतिम संस्कार में 50 वीवीआईपी मौजूद है, वहीं कई वीआईपी नेता भी मौजूद हैं। हम देख सकते हैं इस वक्त सभी की आंखें नम दिखाई दे रही है, सब दुख में हैं। वही हम आपको बता दें, 3 राज्यों के सीएम भी मौजूद हैं और कई बड़ी नेता भी इस समय मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि सबकी आंखें इस बार नम। वही हम आपको बता दें, ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंत्येष्टि आज शाम छत्री परिसर में रखी गई है। वहीं अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा हम देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार अभी किया जा रहा है। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया दुखी में दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंखें नम दिखाई दे रही हैं। वहीं हम आपको बता दें, जय विलास पैलेस में पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए 20,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था है। हम देख सकते हैं सभी जिनका सिंधिया परिवार से रिश्ता और नाता जुड़ा हुआ था, सभी मौजूद हैं। सभी की आंखें नम दिखाई दे रही हैं, सभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं हम आपको बता दें, स्वर्गीय माधव राय सिंधिया की बड़ी बहन उषा राजे नेपाल से भी अभी ग्वालियर पहुंची हुई दिख रही हैं। वे राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दिवंगत माधव राव सिंधिया की बड़ी बहन उषा राजे नेपाल से ग्वालियर पहुंची हैं। वही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे भी ग्वालियर पहुंच चुकी हैं। हम आपको बता दें, अंतिम यात्रा में 2 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी रियासतों के लोग पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, अंतिम यात्रा में नेपाल, बड़ौदा, धौलपुर, कश्मीर के शाही परिवार भी शामिल हुए हैं। हम आपको बता दें, राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम यात्रा में 2 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी रियासतों के राज परिवारों से जुड़े सदस्य भाग लेने पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कार्यक्रम में किस तरह के लोग शामिल हैं, जिनका माता से रिश्ता जुड़ा हुआ था। सभी की आंखें नम है, सभी दुख के उस पे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम आपको बता दें, पंचतत्व में विलीन हुई राजमाता माधवी राजे सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंत्येष्टि आज शाम अभी की जा रही है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा सहित अनेक मंत्री अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता को मुखाग्नि देते हुए, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से बेटे की आंखें नम हैं। वहीं हम आपको बता दें, 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार थी। हम आपको बता दें, माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली थी, उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा है। वहीं हम आपको बता दें, उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। बता दें, विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी था। वहीं मराठी परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदला गया और उनका नाम नया नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराव के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। वहीं माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास विमान हादसे में निधन हो गया।
उस समय उनकी उम्र 56 साल की ही थी। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। हम आपको वही ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन जहां गुना शिवपुरी में प्रचार कर रहे थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियादर्शनी राजे दिल्ली से लौट आई थी। उन्होंने अधिकांश समय राजमाता के साथ बिताया था। वहीं खुद प्रियादर्शनी राजे का नाम और जन्म गायकवाड़ मराठा राजघराने में जुड़ा हुआ है। उनके पिता कुंवर संग्राम सिंह के तीसरे बेटे थे, जहां प्रियादर्शनी की मां नेपाल से ताल्लुक रखती थी। वहीं हम आपको बता दें, माधवराव सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिरादित्य महल के साथ साथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाल रहे हैं।